नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं स्वाति। खबर रीवा जिले से है, जहां जवा जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत सीतलाहा के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में खेल प्रतियोगिता के साथ साथ नशा मुक्ति और हेलमेट जागरूकता अभियान चलाया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह रहे। विशिष्ट अतिथि जिला कलेक्टर मनोज पुष्प और पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन रहे। अध्यक्षता जनपद अध्यक्ष रन्नू बीडी पांडे रही। सबसे पहले महापुरुषों की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया, जिसमें सरपंच संघ जवा के अध्यक्ष अमित सिंह ने माल्यार्पण से आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि नशा नाश का जड़ है। आज पूरे जिले में नशा पैर पसारे हुए है, इसलिए इसे बिना जनता के सहयोग से नहीं हटाया जा सकता है। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने एक हेल्पलाइन नंबर बताया और लोगों को इसी में नशे से संबंधित जानकारी देने को कहा, जिसमें नाम और नंबर गोपनीय रहेगा। इसके बाद जिला कलेक्टर ने लोगों को हेलमेट के बारे में जागरूक किया और लोगों से हेलमेट पहनकर चलने की अपील की है। वहीं सिरमौर विधायक ने आम जनता को संबोधित करते हुए नशा और हेलमेट के बारे में विस्तार से जानकारी दी व इसके बाद नशे मुक्ति की शपथ दिलाई गई। व सिरमौर विधायक पुलिस अधीक्षक जिला कलेक्टर ने हेलमेट जागरूकता के लिए बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर SDM तहसीलदार सहित जवाब पनवार अतरैला डभौरा का पुलिस बल भी मौजूद रहा। शपथ लेंगे तो मैं जैसा बोलूंगा वैसा आप बोलना, मैं अपना नाम बोलूंगा आप लोगों अपना नाम बोलना है। बोलिए प्रिय साथियों, आज हम एकजुट होकर नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि ना केवल हमारे समुदाय परिवार दोस्त बल्कि खुद को नशा मुक्त बनाएंगे, क्योंकि परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। इसलिए आइए मिलकर अपने रीवा को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लें। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने देश को नशा मुक्त बनाने की अपनी क्षमता से हर संभव प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्यप्रदेश के स्थापना दिवस में हम लोग ये स्थापना रास्ता बना रहे हैं, जिसमें आज हम सब जिला हायर सेकेंडरी स्कूल में हमने नशा मुक्ति, दूसरा हमारा हेलमेट अभियान, साथ में खेल प्रतियोगिता, तीनों चीज़ों का हमने किया। नशा मुक्ति से हमारे पूरे क्षेत्र में एक जो हमारे युवा पीढ़ी है उनको हमें सुधार लाने का, साथ में खेलकूद भी, क्योंकि वो भी युवाओं से जुड़ा हुआ चीज़ है, और तीसरा हमारे हेलमेट अभियान, जिसमें भी कहीं ना कहीं हमारे युवा जो लापरवाही करते हैं, हेलमेट नहीं पहनते हैं, और हम लोग भी क्षेत्रीय हम लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत आती है कि हमारे युवा नौजवान बच्चे हेलमेट नहीं पहनते हैं और गाड़ी अगर सही ढंग से नहीं चलाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको दिक्कत आ जाती है। तो हम लोग एक जागरूकता के लिए इस अभियान को किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अंतर्गत पूरे 7 दिनों में अलग अलग गतिविधियां की जा रही हैं। आज खेलों का कार्यक्रम हो रहा है, सभी जिले के सभी ग्राम पंचायतों में खेल के आयोजन किए जा रहे हैं, जो कि जिला स्तर पर फाइनल किए गए हैं। इसके अलावा जो नशा मुक्ति का और रोड सेफ्टी में हेलमेट लगाने का, सीट बेल्ट लगाने के लिए जागरूकता का एक अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान 7 तारीख को संपन्न हो रहा है, जिस दिन के हितग्राहियों को हकदार का वितरण किया जाएगा। उस अभियान के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो पात्र है वो न छूटे, इसकी समीक्षा भी पूरे जिले में हो रही है। इन सभी उद्देश्यों को लेकर आज यहाँ इतवाहा ग्राम में जवाब ये कार्यक्रम चल रहा है। जा रहे हैं, ये कोशिश है कि जो पात्र हितग्राही है उनको सभी चीज़ों का लाभ मिले, लोग समाज इस तरह प्रेरित हो, नशे की आदत से हम बाहर हों, विकास करें और इस तरह के तरीके अपनाएं, रोड एक्सीडेंट में हमारे लोगों की मौत न हो। लोग तहसील स्तर में जो भ्रष्टाचार